वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा साडे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपीटिशन वॉरियर ते। स्टूडेंट्स जिवें कि अपनियां यूट्यूब ते डेली दी क्लास अपलोड हुंदी है, तां पंजाब दे एग्जाम्स जिहड़े भी पंजाब दे आउण वाले एग्जाम है उन्हां वास्ते आपां यूट्यूब ते जिहड़ियां क्लासेस लगा रहे हां उन्हां दे विच मैथ दीआं जो क्लासेस है उहदे मैथ दीआं क्लासेस दे विच अपना जो अज दा टॉपिक रहेगा उह रहेगा टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड दा। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड दा मतलब समा जिन्हों आपां पंजाबी विच समा दूरी अते गति वाले क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस ते स्पीड वाले क्वेश्चन जेडे कि थोनों पेपर दे विच दो तो तीन क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा भी देख सकते हैं क्योंकि टाइम डिस्टेंस ते स्पीड नाल दो टॉपिक सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। सीधे सीधे केड़े, एक टॉपिक थोड़ा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन दा, रेल गड्डी वाला क्वेश्चन, उहदे विच भी डिस्टेंस हुंदा है, स्पीड हुंदी है, टाइम हुंदा है, ऐस टॉपिक बिना पॉसिबल ही है नहीं गा। ठीक, दूसरा टॉपिक जिहड़ा थोड़ा हो गया प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स एंड बोट एंड स्ट्रीम, नाव ते धारा वाला, किश्ती ते धारा वाला दूसरा क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक हो गया, वो वाला एक टॉपिक टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ YouTube ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ। ਠੀਕ, बेसिक ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਤੀ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ 'ਚ ਮੀਟਰ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਿੱਤਿਆ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਿੰਟ ਡਸ ਅਦਿੱਤਿਆ ਟੇਕ ਟੂ ਕਵਰ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 400 ਮੀਟਰ ਇਫ ਹੀ ਰਨਸ ਐਟ ਏ ਸਪੀਡ ਆਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। मतलब उसकी स्पीड दिती हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपां नूं किलोमीटर प्रति घंटा भी दिती हुई है, डिस्टेंस मीटर विच दिता होया है। ठीक है, ते टाइम अपने तो मिंटां च पुछया होया है। तो पहला थोड़ा जिहा बेसिक समझो, जिहड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, उहनूं आपां चेंज कर लैंदे हां पहला मीटर प्रति सैकेंड च। मतलब जे कोई परसन एक घंटे 20 किलोमीटर जाता है तो एक सकिंट च किन्ने मीटर जाऊगा, क्योंकि अपने को उत्थे मीटर है। ठीक है, तो इसनूं चेंज करना पवेगा, कन्वर्ट करना पवेगा किहदे विच, मीटर सैकेंड दे विच। हुण मैं बेसिक क्लास जदों लगाई सीगी थोड़ी ट्रेन वाले टॉपिक की, तो जे तुसीं ट्रेन वाले टॉपिक की बेसिक क्लास देखी हुई है उहदे विच मैं बड़ी डिटेल दे विच कराया सी भी किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर सकिंट च आपां किवें जाणदे आ। ठीक है, तो जे आपां इहनूं चेंज करांगे तो आपां मीटर सकिंट च जाणा है। 5/18 वाला कंसैप्ट यूट्यूब ते समझाया होया मेरा, पिछली क्लास देख सकदे हो तुसीं। ठीक, तो 20 किलोमीटर पर आवर तो आपां मीटर सकिंट विच जाणा है तो 5/18 नाल आपां की करांगे, इहनूं मल्टीप्लाई करके की आ जाऊगी अपने कोल स्पीड मीटर पर सैकेंड। किलोमीटर पर आवर तो मीटर सकिंट जाना हो 5/18 का रोल होंगे, जे छोटे बच्चे जाना है 5 उपर आऊगा, जे वे बच्चे जाना है तो 18 उपर आ जाऊगा, मीनस फिर 18/5 लग जाता है। आप छोटे बच्चे जाना मीटर सकिंट में तो 5 उत्ते आ जाऊगा, 18 थले आ जाऊगा। ठीक है, तो यह अपने को कितना आ जाऊगा, जे आपने 18 से 20 कटिए 2/9 आ गया, 2/10 आ गया, मतलब अपने को आ गया 50/9 मीटर सकिंट, 50/9 मीटर सकिंट। ठीक है, तो 400 मीटर की दूरी तय करनी है कितना मिनट लगेंगे। चलो देखो आप सीधा ही कर लें, वैल्यू पुट कर लें, थोड़ा कन्वर्ट का रूल उत्थे समझा दूंगा। हाँ देखो, आप पता करने हैं मिनट, मिनट मतलब टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला देखो, पहले टाइम कढ़ना हो कैसे कढ़ते हैं, जे टाइम कढ़ना हो
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਸਪੀਡ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਸਪੀਡ ਦੂਸਰੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੇਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਲੋਸਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਗ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਤੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗੀ ਆਊਗੀ ਥੱਲੇ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਆ ਜੂਗੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜੂਗਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੂਗੀ ਦੂਜੀ ਘਟੂਗੀ ਦੂਜੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਘਟੂਗਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਦੂਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਦੂਰੀ ਆ ਜੂਗੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਪੀਡ ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤਿੰਨ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਟਾ ਸਪੀਡ ਸਪੀਡ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਟਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਟ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰੀ ਸਪੀਡ ਚਾਲ ਜਾਂ ਗਤੀ ਠੀਕ ਹੈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪੀਡ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਉੱਪਰ ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ 400 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 20 ਗੁਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 5/18 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਸਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਂਗਾ 18 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5/18 18 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 400 ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ 20 × 5/18 ਮਤਲਬ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤਾਂ 20 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 400 ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 20 ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 18 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 72 ਆ ਗਿਆ 72 ਹੁਣ 72 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ 72 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ 72 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ 72 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ 72 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬਣਨਗੇ 1 ਘੰਟਾ 12 ਮਿੰਟ 1 ਘੰਟਾ 12 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 1 ਘੰਟਾ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ 1/5 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਮਿੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਮਿੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 60 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਮਿੰਟ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਕਿੰਟ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੰਟ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 60 ਨਾਲ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ
जे मान लो एक मिनट होंगे तो एक गुणा साठ कर दे, साठ सेकेंट आ जाते छोटे बच्चे जाना गुणा कर दे, दो मिनट होंगे दो गुणा साठ कर दे 120 सेकेंट आ जाते, तो वड्डे तो छोटे वाल जाना गुणा करो, छोटे तो वड्डे वाल होना भाग करो, जिवें थोड़े को 180 सेकेंट होंगे तो मिनट बनाने साठ नाल भाग कर दे, 180 नूं साठ नाल भाग करो कि आ जाऊगा अपने को तीन, तीन मतलब तीन मिनट आ जाएंगे है ना। तो इतने भी आप साठ नाल भाग करांगे, जे 72 नूं साठ नाल भाग किया तो 60 बटा 60 की आ गया एक, बजे किन्ने 12, एक मिनट 12 सेकेंट आ गया अपने को, एक मिनट 12 सेकेंट, एक मिनट 12 सेकेंट। हुण ऑप्शन एक मिनट 12 सेकेंट भी सही सी जे पाई हुंदी तां, नहीं पाई इत्थे सारे मिनटां च पाई है। हुण आ सेकेंटां दे मिनट होर कर लो, आ सेकेंटां दे मिनट करोगे तां इहनूं भी 60 नाल कर लो, 12 ते 60 कट्टिया की आ गया 5, एक सही 1/5 तुहाडा आंसर आ गया, यह सारे मिनट बन गए। हुण 12 सेकेंट मैं की कीता, 60 सेकेंट का एक मिनट हैगा ही है, वह 60 सेकेंटां दा एक मिनट लिख लिया, भाग नहीं किया इत्थे, 60 सेकेंटां दा मैं एक मिनट लिख लिया, 60 सेकेंट है तो एक मिनट, उपर किन्ने सेकेंट रह गए 12 सेकेंट, तो 12 सेकेंट नूं जे मिनट बना, सिर्फ 12 सेकेंटां नूं मिनट च बनाया, 12/60 किया, 1/5 आ गया, एक सही 1/5 सेकेंट की है अपना आंसर आ जाऊगा ऑप्शन नंबर एक, एक सही 1/5 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, हुण इहदे विच सारे नूं चेंज करना पिया, आपां नूं पहला आपां नूं किलोमीटर पर आवर तों की बनाउणे पए, मीटर सेकेंड सॉल्व किया, इतने भी तुम 60 नाल गुणा करके या 60 नाल भाग करके जो भी अपना करना अपना आंसर आ जाता। जे इतने भी आप 60 नाल भाग कर लें, देखो 400 की सीगा मीटर, 20 गुणा 5/18 कर देता की आ जाता मीटर सेकेंड, तो आप बनाने सारे के सारे ये अपने को सेकेंटा आ गए, सेकेंट आने सारे तो आपको पता है आपको 60 से भाग होर करना पेगा, सॉल्व करो इतने ही आंसर आ जाऊगा, 20 से 400 कटिया 20 आया, ठीक है, 5 से 20 कटिया कि आया 4 आया, 4 से आप 60 कटिया 15 आया, 3 के भड़ते 5 आया, 3 के भड़ते 6 आया, मतलब 6/5 आया, तो 6/5 का मतलब 5 आया, 5 × 5 एक 6, एक सही 1/5, एक सही 1/5 ऑप्शन नंबर एक आ गया। अगला सवाल, एक अथलीट 200 मीटर की दौड़ 24 सेकेंटा में पूरी कर लेंदा, इसकी गति की है, इधर मीटर है इधर सेकेंट है, ठीक है गल बन जूगी, तो मीटर सेकेंड में आ जूगी, पर कैथे किया पिया है किलोमीटर पर आवर, तो कन्वर्ट करने वाला सिस्टम है, कन्वर्ट करके आप किलोमीटर पर आवर चले आवेंगे। जे 200 मीटर डिस्टेंस है, आप पता करनी है गति, गति मतलब स्पीड, इंग्लिश चलो स्पीड कहने, पंजाबी गति कहने, तो स्पीड मतलब की होंगी है डिस्टेंस, डिस्टेंस नूं जे आपां भाग कर देंगे कि भाग करांगे स्पीड नाल, किहड़ा रह गया टाइम नाल, जे डिस्टेंस नूं आपां टाइम नाल भाग कर देंगे तो की आ जाऊगी स्पीड आ जाऊगी, स्पीड आऊगी कि वो भी आप देख लें। जे मेरे को 200 मीटर है, 200 मीटर डिस्टेंस है तो टाइम मेरे को 24 सेकेंट, 24 सेकेंट है, तो आ यूनिट मीटर च है, आ यूनिट सेकेंड च है, तो स्पीड आऊगी मीटर सेकेंड, स्पीड आऊगी मीटर सेकेंड, बट ऑप्शन जो देखिया तो किलोमीटर पर आवर च पईआं सारियां ऑप्शन किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर च बनाने वास्ते आप करते हैं, किलोमीटर पर आवर च बनाने वास्ते आप वड्डे विच जाना है, तो 18 उपर आऊगा 5 थले आऊगा। जे थोड़ा 18/5 की पूरी कहानी सुननी है तुम किमें आया किमें नहीं है ना, तो ये यूट्यूब से टॉपिक नंबर हैगा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन दे विच इहदे बिना काम चल ही नहीं सकता, 18/5 ते 5/18 उहदे विच पूरी कहानी मैं सुनाई हुई है, ठीक है देख सकते हो। 5 ते 200 कटांगे तां किन्ना आ गया, जे 24 ते कट लो 24 5 200 100 ते 5 84 ते 4 5 20 है ना, 24 5 5 ते कट लो 5 तों 4 20 40 आ गया, 24 ते 40 कट लो 8 दे भड़े ते 3 आ गया, 8 दे भड़े ते 5 आ गया, ठीक 3 ते 18 कट लो कि आ गया 6 आ गया, 6 नूं 5 नाल गुणा करो कि आ गया 30 आ गया, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की है स्पीड होगी उस एथलीट की, दौड़ वाले बच्चे की स्पीड कितनी होगी 200 मीटर नाल जिहड़ा दौड़ रहा 24 सेकेंटां विच, तो वह किलोमीटर एक घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा, एक घंटे में जा रहा 30 किलोमीटर, जे कोई एथलीट 24 सेकेंटां दे विच 200 मीटर जा रहा तो घंटे च कितना जा रहा, तो घंटे चो जा रहा 30 किलोमीटर जा रहा, ठीक है। अगले सवाल से चलते हैं, एक आदमी 5 मिनटों में 600 मीटर की सड़क
पार करता है या स्ट्रीट है, ठीक है। एक आदमी 5 मिनटों में 600 मीटर की सड़क पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड कितनी है, उसकी गति कितनी है। गति मतलब आप पता करना है स्पीड, जे आप स्पीड पता करनी है ये तो आप देखा डिस्टेंस उपर आ गया, उपर आ गया मीटर 600 मीटर, तो थले अपने को 5 मिनट, 5 मिनट है थले, 5 मिनट है उपर 600 मीटर है। तो स्पीड वो आप दसनी है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। जे घंटिया च बनावे तो इतने किलोमीटर करने पैने हैं, इतने घंटे करने पैने हैं। ऐ कर दो आप पहला मीटर सेकंड च बना लें, मतलब आ टाइम अपने को आ डिस्टेंस है, डिस्टेंस नू मैं टाइम ते की किता पा किता की आ गई स्पीड आ गई। हुण आपां की कर सकते हैं इहदे च, आ जिहड़ा मिनट है इहनू सेकेंड बना लो। 5 मिनटां च किन्ने सेकेंड होणगे, 5 मिनटां दे जे सेकेंड बनाउणे आ तां 1 मिनट दे विच 60 सेकेंड हुंदे आ, 5 मिनटां च 5 × 60 मतलब 300 सेकेंड आ जाणगे, है ना। 300 सेकेंड आ जाणगे मेरे कोले, ते उपर मीटर है थले की हैगा, थले मेरे को आ गए हूँ सेकेंड, तो इन्हू चाहिए है स्पीड मैं किलोमीटर प्रति घंटा, इन किलोमीटर प्रति घंटा जी करो, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा है 18 उपर आऊगा तो 5 थले आऊगा। बस इन सॉल्व करो हूँ थोड़ा देखो, मीटर हैगा सी ये आप सेकेंड बना ले, ये बन गई स्पीड मीटर सेकेंड च, मीटर सेकेंड में आप कन्वर्ट कर लिया 18/5 गुणा करके किलोमीटर पर आवर च, किलोमीटर पर आवर अपने तो पूछी हुई है। तो 60 ते 600 कटिया कि आ गया 10 आ गया, 5 ते 10 कटिया कि आ गया 2 आ गया, ठीक है। इस 2 नूं कटिया कि नहीं कटिंदा, नहीं कटिंदा, 18 × 36 तां की आंसर आ गया 36/5, 36/5। जदों भी 5 नाल भाग आ जाए मेरे कोले तां आ कंसैप्ट सीख लो, 5 नाल भाग जदों भी आ जाए शॉर्टकट या कैलकुलेशन, मेरियां कैलकुलेशन दीआं क्लासां लगा के इहदे नूं 5 नाल भाग करन दा बड़ा वधिया तरीका दस्सिया होया है कि जो भी 5 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਭਾਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 36 ਦਾ ਡਬਲ ਕੀਤਾ 72, ਮਤਲਬ 7.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ 7.2, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 7.2। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 5 × 7 = 35, 7 ਆਇਆ 1 ਬਚਿਆ 0 ਆਈ, 5 × 10 7.2 जिमें कटते हो कड़ लिया करो। बट 5 का कंसैप्ट जोड़ा है ट्रेन वाले टॉपिक में ज्यादा लग्या सी, तो 5 क्योंकि 18/5, 5/18 हरेक करना पैंता सी, तो 18 की भी ट्रिक दसी सी, 5 की भी दसी सी उहदे विच, ठीक है। तो 5 वास्ते की करो 36 का डबल किया 72, पिछू एक बार पॉइंट आया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखो एक बार की चेंज किया, 5 मिनट से 600 मीटर से 600 मीटर से थले 5 मिनट से 5 मिनटां दे आपां नूं सेकिंट बनाया, आपां 60 नाल गुणा कर लिया, आ की बन गई हुण अपने कोले सेकिंट, आ की बन गई मीटर। तां स्पीड किहदे विच आऊगी, मीटर सेकिंड दे विच। बट आपां नूं चाहीदी किलोमीटर प्रति घंटा, तां गुणा 18/5 होर कर लिया, इत्थे काम लबेड़ता अलग अलग करन दी लोड़ है नहीं गी, 36/5 बनिया, 36/5 हुंदा 72, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखो की है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल चल रहा एक व्यक्ति 15 मिनटां विच इक पुल पार करता है, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई मतलब आपां डिस्टेंस पुछया होया मीटरां विच, डिस्टेंस पुछया मीटरां विच, तां डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो पहला। डिस्टेंस आपां दूरी कढ़दे किवें आ, जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा है वह दूरी हुंदी है, तां दूरी आपां कढ़दे किवें आ, दूरी अपनी हुंदी है समा टाइम, ते समय नूं आपां की कर दईए स्पीड नाल मल्टीप्लाई कर दिए, स्पीड मतलब गति, समय नूं जे गति नाल या चाल कह दें, है ना, स्पीड गति चाल वेग एको चीज हुंदी है, गति नूं समय नाल गुणा कर दी की आ जाऊगा दूरी आ जाऊगी। तो दूरी कढ़नी आपां 5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड की हैगी अपने को 5 किलोमीटर जांदा जो 1 घंटे दे विच, तो 15 मिनटां दे विच उह किन्ना जाऊगा, इत्थे मिनट है, इत्थे मिनट है, इत्थे किलोमीटर प्रति घंटा है ना। हुण ऐ करो या तो इत्थे भी घंटे कर लो, की कर लो इत्थे घंटे कर लो, तो फिर घंटे है इत्थे भी घंटे है, घंटे बनाने सौखे है, ये मिनटा तो घंटे बनाने हैं हुण, है ना, मिनटा तो की बनाने हैं घंटे बनाने हैं, तो 60 मिनट के जे आप घंटे बनाने हैं तो 60 में 60 की करांगे भाग करांगे, 120 मिनट के घंटे बनाने हैं
तो दो घंटे होंगे 120 मिनट के, जो दो घंटे होंगे तो किवें बने 120 मिनटा के दो घंटे 120 60 नाल डिवाइड करके, मतलब जो 15 मिनट है तो 15 मिनटा 60 नाल की कर लो डिवाइड, एक ही बन जाएंगे घंटे बन जाएंगे, आ किलोमीटर पर आ रहा दूरी आ जाऊगी फिर कि अच्छा दूरी चाहिए मीटर के घंटे रहन दो फिर आप है ना, चलो दूरी घंटिया में आ जाऊगी ए करते हैं फिर आप इन्ना व्डा का तो करना, ये मिनट हैगा ही है उन्होंने की कर लो उन्होंने चेंज कर लो वो स्पीड है, इस स्पीड नू की करो एना दे सेकेंड बना लो, फिर एना दे की है सेकेंड बना लो ते एनू की कर लो मीटर सेकेंड दे विच, एदे सेकेंड बनाने सौखे है जे आ सेकेंड च है आ मीटर सेकेंड है जब आ मीटर च फिर ही आऊगा, जे आ सेकेंड च है आ मीटर सेकेंड च है एनू सेकेंड बना लो उन्होंने मीटर सेकेंड कर लो। तो कन्वर्ट किवें करते हैं आप सारी बेसिक क्लास दसी हुई है मेरी वो तुसी देख सकते हो, 15 मिनट है तो 15 मिनटा के सेकेंड बनाने तो 60 नाल की करांगे गुणा करांगे सारे की बन जाएंगे सेकेंड बन जाएंगे, एक मिनट के 60 सेकेंड तो 15 मिनटा किन्ने सेकेंड ठीक 15 गुणा 60 एक मिनट में 60 सेकेंड तो 15 मिनट 15 गुणा 60 सेकेंड सेकेंड बन गए गुणा आ किलोमीटर पर आवर है तो पता ही आप मीटर सेकेंड जाना है तो 5 उत्ते आऊगा तो 18 की है थले आऊगा इनू सॉल्व करो आंसर आऊगा। देखो की है किमें सॉल्व करांगे इनू आप हम हिसाब का लाने हैगा कि 18 है 15 है 60 है 18 इनू आप 18 5 से कट लें 3 के पड़े ते 5 के पड़े नहीं 5 3 5 आऊगा इतने और सीधी गल कोई नहीं बन देगी है ना 18 60 चलो 3 से कट लो 3 के पड़े ते इतने 5 आ गया 3 के पड़े ते इतने 6 आ गया 6 के पड़े ते इतने 10 आ गया 5 5 5 3 5 पया 5 का क्यूब 125 के नाल 0 ला दियो 1250 की है थोड़ा आंसर आ जाऊगा 1250 किदे विच आऊगा सीधा हुण मीटर च आऊगा, मतलब जो कन्वर्ट करना हुंदा इत्थे कर लिया करो सारे दा सारा बाद विच आपां नूं लोड़ ही ना पवे है ना। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल 15 मिनटां च आपां कढ़ना सी 1250 मीटर ऑप्शन नंबर आ जाऊगा अपना 4 1250 मीटर किवें आया फिर देखो एक बारी समा दिता सी मिनटां दे विच गति दिती सी किलोमीटर पर आवर च अपने तो दूरी पुछी हुई सी दूरी हुंदी है मीटर दे विच मतलब दूरी इत्थे मीटर दे विच पुछी हुई है दूरी किलोमीटर विच भी हुंदी है ते आपां जे हुण दूरी पता करनी है मीटर दे विच आपां देखिया भी ये किलोमीटर पर आवर है ये मिनट है इत्थे दूरी मीटर दे विच उदों ही आऊगी जदों इत्थे सकिंट होणगे इत्थे मीटर सकिंट होणगे सकिंट ते मीटर सकिंट तो उत्थे फिर ही मीटर आउणगे ठीक है क्योंकि मीटर का रिलेशन होंगे सैकेंड नाल मीटर सैकेंड बनानी सौखी है मीटर मिनट भी बन जाती है वो भी कोई औखी है नहीं बट आप मीटर सैकेंड जब आप सीखी हुई है तो मैं वही चीज़ यूज कर ली 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 गुणा 5 बटा 18 किया ठीक है गुणा 15 की सीगा अपने को मिनट से यदि आप बनाए सैकेंड 15 गुणा 60 गुणा 5 गुणा 5 बटा 18 इनू सॉल्व किया आंसर आ गया 1250 मीटर। दूरी पता करनी सी दूरी का बेसिक फॉर्मूला बेसिक कंसैप्ट समा गुणा गति टाइम इनटू स्पीड डिस्टेंस आ गया जो डिस्टेंस आऊगा कि आऊगा मीटर दे विच एक कार 180 किलोमीटर घंटे की रफ्तार नाल चल रही है यह 15 सेकेंटा में कितनी दूरी तय करेगी। देखो पेपर जो थोड़ा क्वेश्चन आऊगा ना ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो जो कोई हार्ड क्वेश्चन भी आता भी आपको कन्वर्ट तो करना ही पेगा सीधे सीधे नहीं देता गया थोड़ा ठीक है। एक चीज जो किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूजी चीज हैगी है सेकेंटा में इन्हों का रिलेशन होंगे नहीं गा आपको पता है या किलोमीटर प्रति घंटा है तो आ सेकेंट है तो हूँ आप पता करना दूरी पता करनी है पहले तो आप दूरी का फार्मूला लाने तो दूरी की होंगी है स्पीड सॉरी दूरी पता करनी है कितनी दूरी तय करूगा दूरी होंगी है डिस्टेंस आप डिस्टेंस पता करना तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होंगे डी दूरी वास्ते डी लिख रहे हैं डिस्टेंस स्पीड वास्ते एस लिख रहे हैं ठीक है तो टाइम मतलब समय वास्ते की लिख रहे हैं टी लिख रहे हैं। कई बच्चों के बीच कन्फ्यूजन होती है डी एस टी की है डी मतलब डिस्टेंस एस मतलब स्पीड स्पीड मतलब गति टी मतलब समा समा मतलब टाइम। तो एक कार 180 किलोमीटर प्रति घंटा जे आप इत्थे स्पीड भरीए 180 किलोमीटर प्रति घंटा तो टाइम कितना लग गया टाइम लग गया 15 सेकेंड
दो चार क्वेश्चन में तुम्हें आ गया एडजस्टमेंट करनी आ जाएगी। किवें एडजस्टमेंट करांगे, जिवें मेथड दसूगा अपन, जिवें सौखा लगूगा उवें कर लिया करो, ठीक है। आ 180 की हैगा, 180 हैगा किलोमीटर प्रति घंटा, ते आ हैगा सेकंड, मतलब एनू आपां किहदे च बदलांगे, एनू मीटर सेकंड च बदलांगे तां आ मीटर च आ जाऊगा, डिस्टेंस पुछा किहदे च आ मीटर च ही बदलदा। बस आ स्पीड नूं आपां हुण की करना है, आ ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा है, एनू आपां मीटर सेकंड च बदल लेना है, ठीक है। मीटर सेकंड च बदल लेने आ, 180 गुणा 15 टाइम सेकंड सी, सेकंड चा पहले पे है, तो आपां करना की है, आपां सिर्फ जे 180 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर सेकंड च बदलने वास्ते है स्पीड नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, 5, 5 उत्ते आऊगा छोटा, 18 थले आऊगा छोटा, उत्ते क्या आऊगा क्योंकि आपां छोटी यूनिट में जा रहे हैं, मीटर सेकंड में जा रहे हैं, ठीक है। इहनूं सॉल्व करो की आ जाऊगा, 18 दे पड़े ते सीधे चला गया 18, 10 बचिया, ठीक है। 15 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਕੀਤਾ 75, 75 ਨੂੰ 10 ਤੇ ਕੀਤਾ 750, ਤਾਂ 750 ਮੀਟਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 750, ਮਤਲਬ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀਸ, ਇੱਕ ਕਾਰ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ 5/18 ਛੋਟੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਰੂਗੀ, 75 ਦਾ ਆਇਆ 750, 750 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ 35 ਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੌੜਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋ, ਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੁਅਰ, ਸਕੁਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਗ। 35 ਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗ, ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ, ਆਹ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਟੋਪਿਕ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ 3-4 ਟੋਪਿਕਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਹ ਸਾਈਡ 35 ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ 35 ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਵੀ 35 ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ 35 ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਮਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਪੀਡ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਭਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ 35 ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 35, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਚਾਰੋਂ 35 ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਚਾਰੋਂ 35 ਹੈ ਤਾਂ 35 ਦਾ ਡਬਲ 70, 70 ਦਾ ਡਬਲ 140, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ 140। ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਹੈ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਸਪੀਡ ਹੈ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਹ 140 ਮੀਟਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਆਹ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 9 ਨੂੰ 140 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਈ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਸਪੀਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕੁਛ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 9 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 5/18 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲੱਗੂਗਾ 5/18, ਪਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੋਟਾ 5 ਹੈ, 5 ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, 18 ਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ 18 ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ।
इन सोल्व करो सकिंटा आंसर आ जाऊगा। क्यों सकिंटा आऊगा हूँ, क्योंकि आपू चेंज करके कि बना लिया, जो तो 5/18 गुणा करती तो मीटर सकेंड च बना लिया। हूँ कई बच्चे ये सोचने के भी सर ने तो 18/5 की 18/5 नहीं की, मैं 5/18 ही की है, वो 18 इतने लाना सगा जो चीज थले आ उत्ते चली जाऊगी, नहीं उत्थे लगे रहने तो फिर कटो, फिर भी आंसर उही आऊगा जोड़ा ये आऊगा। तो 9 के पहाड़े से 18 कट्टिया कि आ गया 2 आ गया, 5 के पहाड़े से 140 कट्टा तो कि आ जाऊगा, एंता डबल हों 280 28 नंबर से जाऊगा, 28 में 2 गुणा कर दें तो कि आ जाऊगा, 28 का डबल 20 का डबल 40, 8 का डबल 16, 40 16 आ गया 56। तो आ 56 सकेंट आ गए, 56 सकेंटा के लड़का एदा एक चक्कर पूरा कर लूगा, मीनस एदा पैरीमीटर पता करना सी, पैरीमीटर ऑफ स्फीयर जिहड़ा पैरीमीटर होगा अपना डिस्टेंस होगा, एदा परिमाप होगा, एक परिमाप जो पूरा हो जाऊगा एक चक्कर उदो 140 मीटर बनने, 140 मीटर मैं बनाए पहला। देखो सवाल शुरू नहीं होना सी जे मैं स्केयर बारे नॉलेज नहीं होनी ना होंगी, तो इस करके आपां दो या तीन टॉपिक चो जो मिक्स करके क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्योंकि ए 35 मीटर पूजा वाला वर्ग से वर्ग की होंगे बारे पता होगा, तो 140 आ जाऊगा, 140 डिस्टेंस से स्पीड हूँ आ लगेगा अपना फॉर्मूला जो टॉपिक अपना चल रहा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 140 डिस्टेंस होया स्पीड 9 हुई, देखा ऑप्शन देखी आंसर पे है सकिंटा दे विच, सकिंटा च पिया तो चेंज करना पेगा, मीटर सकिंट च लैके गए, ये मीटर सकिंट च है, ये मीटर च है, तो आंसर कि आऊगा हम सकिंट च ही आऊगा, 56 सकिंट अपना आंसर होगा, कितने पाया भी आ गया 4 नंबर ऑप्शन 56 सैकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, जिमें आप नॉलेज होनी जरूरी सी ता ही आ सवाल आया सी, एवें ही आपां इस टॉपिक की टाइम डिस्टेंस की स्पीड की जरूरत पेगी, कि टॉपिक्स काफ़ी टॉपिक्स के पेगी जिन्हों भी कोई दूरी तय हो रही है, तो दूरी किन्ना तय होगी, ट्रेन वाले टॉपिक के दूरी तय होगी, बोट वाले टॉपिक के दूरी तय होगी, ठीक है होर काफ़ी क्वेश्चन आवगे, होर काफ़ी टॉपिक है जिन्हें अपन लोड पेगी यदि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड आप पता होगा, तो ठीक है चेंज किमें करते हैं ट्रेन वाले टॉपिक मिनट तो सकेंट, सकेंट तो मिनट, ठीक है घंटिया तो मिनट, घंटिया तो सकेंट, तो सारा कुछ आपां कन्वर्ट करना मैं दस्या सारा कुछ, ठीक है अगले क्वेश्चन से चलते हैं 7वें क्वेश्चन से। पुनीत गोज टू हिज ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पुनीत जिहड़ा हैगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल आपके दफ्तर जाता है, तो रिटर्न होम तो घर वापस आता है, घरों दफ्तर जाता है 60 की स्पीड नाल, ते वापस आता वो 90 की स्पीड नाल, वट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द पुनीत, पुनीत की एवरेज स्पीड की है, तो एवरेज मतलब औसत है ना, औसत की होंगे तुम कहो जी 60 से 90 की औसत कढ़ दौ है ना, 60 से 90 की जो तुम औसत कढ़ दोगे तो 60 से 90 की औसत होंगी है 150, 90, 60 हो जाए 90 का अद्धा 45 तो एदा 30 मतलब ए औसत आ गई 75, 90 से 60 150 का कि आ गई 75, तो पहला तो इस गल में देखो भी आ की चीज़ है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है क्यों करके दिखाया इस करके कि कई जने ये सोचते हैं भी स्पीड ही कढ़नी है ना, एवरेज हैगी एवरेज आप सीखी हुई है भी 60 से 90 की जी एवरेज है 60 से 90 150 का अद्धा किता कि आ गई 75, इस तरह किसी बच्चे ने नहीं करना, एवरेज स्पीड कदे भी एवें नहीं निकलती, ठीक एवरेज स्पीड का जे तुसी मेरे को पढ़े हुए हो तो मैं शॉर्टकट ते ट्रिक्स वो ट्रिक्स या वो शॉर्टकट नो फॉलो करता हूं जो सारे सवालों लग जाए फिर तो आता सवाल मजा आता भी हरेक सवाल च लगता पे, पर किसी किसी सवाल च लगता किसी किसी सवाल नहीं लगता, इस सवाल के शॉर्टकट दसदा पर याद रखियो वो शॉर्टकट या वो ट्रिक तुसी कदों लाउणी है जदों डिस्टेंस बराबर हो गए, जदों डिस्टेंस बराबर हो गए तो वह शॉर्टकट ला दिओ, फिर डिस्टेंस बराबर नहीं होगा फिर आपां फिर ऐसे मैथड से आना पेगा जो मैथड ना मैं समझ करा थोनों शॉर्टकट भी दस देने का की होंगे, एदा शॉर्टकट होंगे 2ab अपॉन ए प्लस बी, चलो जिन्होंने याद रहे दोनों वास्ते वो इस तरह कर लियो 2 मल्टीप्लाई ए इनू ए मान लो 60 मल्टीप्लाई बी इनू बी मान लो 90
गया वो 60 दी स्पीड नाल आया वो 90 दी स्पीड नाल थल्ले कर लो ए प्लस बी तो 2 × 60 × 90 थले दोनों जोड़िया कि बन गया 90 ते 60 150 होया थले तो आ जीरो नाल आपां आ जीरो कट लो 15 ते कट लो 90 छे आ गया 6 × 6 = 36 × 2 = 72 72 किलोमीटर की हैगा एवरेज स्पीड ना तो जी एवरेज स्पीड होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा एंडी औसत जी औसत गति होगी वो होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा याद रहा जी तो बड़ी वधिया गल है बट लाना उदों ही है जदों दोवां दे डिस्टेंस की है बराबर है इत्थे दिख जूगा डिस्टेंस बराबर है पुनीत नाम का मुंडा जे गया सी तां 60 दी स्पीड नाल गया सी कित्थे गया सी आपदे दफ्तर गया सी हैं ते दफ्तर तो वापस आया करे घरों दफ्तर गया दफ्तर तो घर आया मतलब विच वाली दूरी की है बराबर है तो आपां आ ला सकते हैं ठीक हुण अगे अगे जिवें सवाल आउणगे दूरी बराबर नहीं होनी दूरी बराबर नहीं होनी उन्हां विच फिर आपां आ तरीका लावांगे ठीक है ऐसे सवाल नूं दूजे तरीके नाल दसना सैकेंड मैथड नाल जदों डिफरेंस बराबर ना होगा सैकेंड मैथड बट आपां आ वी कर लैने इस तरीके नाल तरीके सारे सिख लिया करो ठीक है जिहड़ा वधिया लगे वो ला लिया करो तो आपां देखिया 60 गया 90 आया है ना 60 ते 90 तो 60 ते 90 है मेरे को तो एक एहो जिहा डिस्टेंस लै लो जिहड़ा दोवां दे पाड़े च आ जाए छोटे तो छोटा दोवां दे पाड़े छोटे तो छोटा होगा दा एलसीएम एलसीएम कढ़न दा मैथड देखो 60 ते 90 90 दा पाड़ा पड़िया 90 एकम 90 90 × 180 90 एकम 90 जिहड़ा 60 दे पाड़े च नहीं आउंदा 90 × 180 180 60 दे पाड़े च आउंदा इहनां दोवां दा एलसीएम कढ के देखो 180 आउगा तो आपां ला लिया वी उहदे घर तों उहदा ऑफिस किन्ने दूर है 180 एक सीगा मेरे को 90 एक सीगा 60 जिवें कि मैं थोनू टाइम एंड वर्क करवाना हुंदा इहनां दा एलसीएम किन्ना आया 180 तो तुसीं इहनूं वी डिस्टेंस मान लो उहदे घर दे विच डिस्टेंस उहदे घर तों लै के उहदे दफ्तर दी जिहड़ी दूरी है 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर है आपां मान लिया उहदे घर दी दूरी ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਦਾ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੱਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 180 ਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 180 ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 180 ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਹਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਟਾ ਟੋਟਲ ਸਪੀਡ टोटल डिस्टेंस नूं टोटल स्पीड नाल कर दिओ थोड़ी एवरेज स्पीड निकल जांदी है 180 गया 180 आया किन्ना होया 360 है ना थल्ले टोटल स्पीड तां टोटल स्पीड किन्नी हैगी है ते टोटल टाइम कढ़ना पऊगा आपां नूं है ना टोटल टाइम है टोटल स्पीड हुण देखो आपां इहदी स्पीड कढ़नी है थल्ले आपां नूं टाइम चाहीदा कोई नहीं आपां थल्ले टाइम ले आउणे आ हुण टोटल टाइम किन्ना लग्गिया टोटल टाइम देखो जो 180 जाऊगा तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के नाल 90 की स्पीड नाल जो वह बंदा 180 किलोमीटर जाऊगा तो किन्ने घंटे लगनगे 2 घंटे 2 घंटे पहुँच जूगा या 2 घंटे घरे पहुँच जूगा ना आपके तो जे घर तो वह 60 की स्पीड नाल दफ्तर जाता से किन्ने घंटे लगनगे 3 घंटे 60 × 180 3 घंटे लगनगे तो 2 घंटे उन्होंने वापस आने लगे लगे 3 घंटे उन्होंने जान लगे लगते हैं तो टोटल कितने घंटे लगे 5 घंटे इनू भाग करो आंसर आ जाऊगा टोटल डिस्टेंस नूं आपां टोटल टाइम नाल टोटल डिस्टेंस नूं जो टोटल टाइम नाल भाग कर देने तो आपने की आ जाती है वो एवरेज स्पीड आ जाती है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस नूं टोटल टाइम नाल भाग कर दे थोड़ी एवरेज स्पीड आ जाऊगी एवरेज स्पीड कितनी है 180 ते 180 किन्ना आ गया 360 ते 360 नूं 5 ते भाग करोगे तो किन्ना होगा 5 घंटे लगे है आ टाइम आ गया टोटल आ टोटल डिस्टेंस कवर होया 180 उधर 180 उधर 2 इधर टाइम लग्या 3 घंटे इधर लग्या 5 घंटे लगे भाग करो 360 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਕਰਨਾ 360 ਦਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ 720 ਪਿੱਛੋਂ 0 ਚੱਕਦੀ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੀ ਹੈ
अपनी फिर एवरेज स्पीड आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। आ याद रखना पेगा, आ तो हरेक सवाल से लगेगा ही लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस बराबर हो गए तो भी, डिस्टेंस ना बराबर हो गए तो भी, बेसिकली आ डिस्टेंस ना जो बराबर नहीं होंगे उदो आप कंसैप्ट लाने हैं। तो आ जे थोन याद रहे वधिया गल है, ना याद रहे थोड़े कोई यहोजी चीज होनी चाहिए कि आप कढ़ लाँगे। फिर अगे चलते हैं, नीरज ने दो दूरियां 10 किलोमीटर ते 20 किलोमीटर, देखो इतने डिस्टेंस हम वक्रा वक्र है, डिस्टेंस की है वक्रा वक्र है, 10 किलोमीटर की दूरी अते 20 किलोमीटर की दूरी तय की है, बराबर नहीं है कि इतने ना शॉर्टकट ला दो वाला क्रमवार एक घंटे के 5 घंटे कवर करता है, वो एक घंटा लगता और 5 घंटे लगते हैं। तो यदि एवरेज स्पीड पूछा, एवरेज स्पीड की होगी पूछा, ये भी एवरेज स्पीड ही है औसत गति कि होगी, तो औसत गति थोड़ा हमने दसिया मैं, औसत स्पीड आप करनी होवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किमें निकलूगी, अपने को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम जिन्ना डिस्टेंस कवर किया जिन्हें टाइम बिच कवर किया वह की आ गई एवरेज स्पीड। देखो हम कि डिस्टेंस कवर किया उन्हें, उन्हें 10 किलोमीटर एक कवर किए हैं, 20 किलोमीटर एक कवर किए हैं, तो आप पता लग गया डिस्टेंस का कितने किलोमीटर कवर किया उन्हें, 30 किलोमीटर। तो टाइम वास्ते की करांगे, जे 10 किलोमीटर आप घंटे कवर किए हैं ठीक है, तो 20 किलोमीटर आप 5 घंटे कवर किए, टाइम भी आपको दिता हुआ कि 5-6 ठीक है, बस 3-6 से भाग ही करना सी, तो कि आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है वो स्पीड है, 30/6 किया टोटल टाइम आया 6 घंटे, टोटल डिस्टेंस आया 30 किलोमीटर, 3-6 से भाग किया कि आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे 5 किलोमीटर 6 घंटे में 30 किलोमीटर कवर हो गया ठीक है। तो यह कंसैप्ट एवरेज स्पीड का कंसैप्ट, जो भी एवरेज स्पीड पूछी हो तो टोटल डिस्टेंस वेख लो, टोटल तो सारा कुछ ही बनया बनाया सी ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कर लो पिछले सवाल आ सवाल देखो, वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड ए मैन इज 10 मिनट्स टू लेट, ये सारे सारे बेसिक क्वेश्चन है ठीक है। तो इस तो बाद ही टॉपिक शुरू होता है जो तो मजे वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर जो थोड़ा दिखते हैं क्वेश्चन सीधे सीधे पे, बट उन्होंने वास्ते इन्हों का पता होना जरूरी है ठीक है। तो वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड ए मैन इज 10 मिनट्स टू लेट, कहने का मतलब जे आम स्पीड जी रेगुलर स्पीड है उसकी 5/6 जी यूजुअल स्पीड है, आम स्पीड यूजुअल स्पीड जी हमेशा स्पीड यूज करता सी 5/6 नाल जावे प्रॉपर स्पीड नाल ना जावे जिन्ना जाता सी 5/6 स्पीड नाल जावे तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट की है लेट हो जाता है। फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी, तो यह दसो कि उन्होंने यूजुअल टाइम रोज कितना टाइम लगता सी, आम स्पीड दे 5/6 ते सफर करन नाल व्यक्ति निर्धारित समय तो 10 मिनट लेट हो जाता है, दफ्तर पहुंचने का निर्धारित समा की सी, मतलब वो सही टाइम पर जो पहुँचता से किन्ने मिनटों में पहुँच जाता सी उत्थे, अज तो लेट होया पर जे सही टाइम पर पहुँचता से किन्ने मिनटों में पहुँचता सी, 45 मिनट 50 मिनट 10 मिनट या 25 मिनट। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जे तुसीं रेशो का कंसैप्ट पढ़िया होया चंगी तरह ठीक है, जे थोनू इहदी बेसिक का पता है। 5/6 का पहला मतलब समझो की होंगे, 5/6 का मतलब है जे रोज 6 मिनट लाता सी तो अज उन्हें 5 मिनट लाए है, मतलब 1 मिनट दूर है, 1 मिनट का मतलब 10 तो रोज हो जाता सी 60 मिनटा 5 × 6 = 1 50 मिनटा ठीक है, अज उन्हें लग गए 60 मिनट, 50 मिनट का की है आंसर आ गया 50 मिनट लगते सी, एक का ही फर्क है, एक का फर्क है तो 10 मिनटा का फर्क है, तो 10 × 5 किया 50 मिनट, मतलब रोज वो 50 मिनटा जाता सी, अज पूछा जाए अज किन्ने मिनटा च पहुंचे तो अज 60 मिनटा पहुंचे ठीक। समझा थोनू मैं किमें समझावे कि आ देखो 5/6 मतलब की है, 5/6 का जे रोज
6 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦੀ ਆ ਜੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ S1 ਤੇ S2 ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਸਪੀਡ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰਾਉਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 6 ਤੇ 5 ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ ਆ T1 ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ T2 ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦੀ 5 ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹੈਨਾ ਜੇ ਇਹਦੀ 6 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਉਹ 6:5 ਆ ਗਿਆ ਸਪੀਡ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 6:5 6:5 ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਇੱਥੇ 10 ਯੂਨਿਟ ਹੈ 10 ਯੂਨਿਟ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਆਇਆ ਹੈ 10 ਯੂਨਿਟ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੇਟ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਜ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਗਈ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਗਈ ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ ਉਸ 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 60 ਮਿੰਟ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਹੈ ਸੌਰੀ 60 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ 60 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡੇਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੈ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਡੇਲੀ 50 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ੁਅਲੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ 50 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ੁਅਲੀ ਉਹ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 50 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੈ ਹੈਨਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ੁਅਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਚੌਕਾ 80 20 ਤੀਆ 60 60 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ 60 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਏ ਹੈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਊ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਾਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ